हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज गए हैं 9 और मेरी जो तबीयत है बिल्कुल सही नहीं है। अभी जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो मैंने नहा लिया था, आज 7:30 पे ही नहा लिया है क्योंकि आज है दुर्गाष्टमी और मेरा व्रत है। तो दुर्गाष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगी। और मेरी पूजा हो गई है और अभी मैं पीने जा रही थी चाय, ये देख लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए। तो मैं चाय पीने जा रही थी, मैं सोच रही हूँ आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरी आवाज़ बिल्कुल सही से नहीं निकल पा रही है क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है जुकाम की वजह से, तो आवाज़ आप तक सही नहीं जा रही होगी। आवाज़ दबी दबी सी लग रही है जुकाम की वजह से और बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है मेरा। हाँ, तो अभी 9 बज गए हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी अभ्या को नहलाना है क्योंकि वो काफ़ी लेट जगी हुई थी, मैंने नहा लिया था 7:30 पे, उसके बाद ही वो जगी हैं। तो मैंने नहीं नहला पाया क्योंकि मैं नहा चुकी थी, अभी उनको नहलाना है दोनों को। और मैं जब नहा लेती हूँ उसके बाद मुझे बड़ा ख़राब लगता है कपड़े, नहाने के बाद मेरे से कोई कपड़े नहीं धुलते। नहाने से पहले कितने भी रख दो मैं धो लूँगी, बट नहाने के बाद मेरे से नहीं धुलते और अजीब सा लगता है, सारे कपड़े अपने गीले हो जाते हैं। अब उनको नहलाना ही पड़ेगा क्योंकि वो नहीं नहाई है, बाद में जगी थी। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ और यहाँ पे ये एप्पल है, एप्पल खा लेती हूँ। तो उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी, काफ़ी सारे काम डले हुए हैं और अभी इनकी देखो क्या हालत हो रही है। अभी सो के जगी हैं, इनको भी दूध पिला दिया है मैंने, एप्पल भी खा लिया है दोनों ने और ये निकल गए हैं कोचिंग। अभी मुझे इनको नहला के उसके बाद कुछ बनाना है, खाना वगैरह है और हमारी फिशेज को भी दाना डालना है क्योंकि इनको दाना भी नहीं डला है आज। ये लेट हो रहे थे तो बोल रहे थे डाल देना, मैंने नहीं डाल पाया है आज, तो इनको दाना भी डालना है। उसके बाद क्या कुछ बनाते हैं, फलार भी बनाना है। तो मैं इस वीडियो का एंड आज नहीं करूँगी, कल करूँगी मैं इस वीडियो का एंड क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है और नवमी, कल रामनवमी है तो रामनवमी का कन्या भोज वगैरह करेंगे, तो वो सारी क्लिप भी मैं थोड़ी सी ले लूँगी, वो सारा एक साथ मैं आपको दिखाऊंगी और एक साथ ही मैं एक ही ब्लॉग बनाऊंगी। बार बार नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी एडिटिंग में भी टाइम लगता है, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए क्या कर रही हो? तो इसीलिए मैं कल इस वीडियो का एंड करूंगी और चलिए बाकी के सारे काम कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक लिए बाय बाय। तो गाइस, मैंने हमारी मछलियों को दाना डाल दिया है, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मेरा खाना वगैरह सभी अभी बनने को है और मैं सोच रही थी मैं सबसे पहले अपनी पूजा कर लूँ और उसके बाद ही खाना बनाऊँगी, तो मेरी पूजा भी हो गई है
और मैंने चाय पी ली है, एक सेब भी खा लिया है और अब लग जाती हूँ हमारे घर के बाकी के कामों में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाय माता के लिए छोटे छोटे से पराठा जो मैंने गैस पे निकाल के रखे हुए हैं। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए पराठा और उसके बाद खाना बनाएंगे। बहुत सारे काम भी पड़े हुए हैं, अभी मैंने अभ्या नभ्या को भी नहला दिया है और ये देख लीजिए मेरा खाना जो है बन गया है। तो चलिए जल्दी से भोग लगा देते हैं हमारे कान्हा जी का। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो हमारे यहाँ अभी जब भी लहसुन प्याज डलता है तो उस दिन हम सब्जी का भोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी ले ली है, तो जल्दी से भोग लगा देते हैं। और यहाँ पे हमारा भोग भी लग गया है। इधर ये देख लीजिए अव्या हमारी खा रही हैं खाना, तो ये भोग वाले पराठे हैं वही ये खा रही हैं दोनों के दोनों। अव्या खा रही हैं आम के अचार से, इनको आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये आम के अचार से पराठा खा रही हैं। तो तब तक हम हमारा और बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी तो मैं इसका घी बना लेती हूँ, क्योंकि पूजा का घी ख़त्म होने वाला है तो मैं पूजा के लिए घी बना लेती हूँ। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, मैं मेरा काम कर लेती हूँ। तो गैस हमारा घी बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल शुद्ध देसी घी। और घर का घी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और बाहर के और घर के घी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो मुझे बाहर का घी बिल्कुल पसंद नहीं होता और मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। यदि घर पे नहीं रहता है, घी ख़त्म हो जाता है, तो मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो मैं घर पे ही निकालती हूँ, यानी कि मलाई निकालती हूँ दूध से और उसके बाद मैं 8 या 10 दिन में गर्म कर लेती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरे पूजा के लिए घी तैयार हो गया है और अभी खाने में तो है, खाने के लिए तो है, तो मैंने पूजा में निकाल दिया है सारा। तो गाइस यहाँ पे शाम के बज गए हैं 7:30, तो हम यहाँ पे संध्या आरती कर लेते हैं। हमारी शाम की आरती हो गई है और मैंने शाम को भोग में बनाया है साबूदाने की खीर। तो मैंने खीर का भोग लगाया हुआ है माता रानी का, हमारे लड्डू गोपाल का। तो अब हम मिलेंगे आपसे कल सुबह, हम इस वीडियो का एंड कल ही करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अभी हो गया है सुबह और आज है रामनवमी, तो मैंने घर का सारा काम यानी कि झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, मैंने नहा भी लिया है। नहाने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि आज कन्या भोज है, माता रानी का पूजन भी करने जाना है मंदिर, तो काफ़ी सारे काम है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पूड़ियाँ इधर मेरी, और इधर बन रही है मेरी खीर, यानी कि पूड़ियाँ मेरी बन गई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, बाद में बनाऊंगी, बाकी की पूजन करके आऊंगी उसके बाद मंदिर से लौट के। और खीर भी मेरी पक गई है, ये देख लीजिए मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर ली हुई है। तो चलिए चलते हैं मंदिर पर। तो गैस मैं मंदिर से घर वापस आ गई हूँ माता रानी का पूजन करके, और अभी हमारा ये देख लीजिए कन्या भोज चल रहा है, कन्याएं भी आ गई हैं, मैंने खाना भी परोस दिया है, ये देख लीजिए मैं इनका तिलक कर रही हूँ सभी का।
और अभी मुझे इतनी ही कन्याएं मिली, और हमारी अभ्या नभ्या तो बिल्कुल ही नहीं खा रही थी। बाकी की कन्याएं भी अलग अलग थाली में नहीं खा रही हैं, मैंने अलग अलग परस के रखी थी, बट वो बोल रही है मैं एक में ही खा लूँगी, क्योंकि सारी लड़कियां ऑलरेडी सभी जगह खा के आई हैं काफ़ी जगह, तो वो नहीं खा रही हैं, बस एक एक पूड़ी दो दो पूड़ियाँ ही खा रही हैं। अभ्या नभ्या तो बहुत परेशान कर रही हैं, नव्या ने फिर भी थोड़ा सा खाया, बट अभ्या बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। मैं उससे बोल रही थी सिर्फ़ एक ही खा ले, तो वो नहीं खा रही है। तो मैं सभी को पैर छू के पैसे दे रही हूँ, और सभी ने खाना खा लिया हुआ है। यहाँ पे मैं अभ्या को लालच दे रही थी कि थोड़ा सा खा ले, मैं तेरे को फिर चिप्स दिलवाऊंगी, पर वो नहीं मान। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं, और हमने कन्याएं खिला दी हैं, माता रानी की पूजा भी मैं करके आई हूँ, और मैंने थोड़ी सी क्लिप भी ली हुई है कन्याओं की। आपने देखा ही होगा किस तरीके से हमने कन्याओं को खाना वगैरह खिलाया, पूजन किया। और ये देख लीजिए हमारी नम्मो बैठी है, नव्या हमारी काफ़ी जगह खाना खा के आई हैं, इतना ज़्यादा पेट भर गया इनका, है ना नव्या? कितने जगह नोता खा के आए हो? एक और एक आंटी क्या खा के आए हैं, और एक और आंटी क्या खा के आए हैं, और बहुत सारे जगह खाना खा के आई है। इनका इतना ज्यादा और जान भी दी थी क्या? जान भी दी थी क्या? और हमारा तो पेट भर गया खाते खाते। इनका इतना पेट भर गया कि इन्होंने हमारे यहाँ भी नहीं, यानी कि अपने घर भी नहीं खाया। अभ्या को मैंने इतना जबरदस्ती किया था, उसने इतना सा खाया है, थोड़ा सा इनका ऑलरेडी पेट भर गया, क्योंकि ये 7 बजे से घूम रही हैं, कहीं कोई ले जाता है, कहीं कोई ले जाता है, और काफ़ी लोग घर बुलाने आ रहे हैं, और ये हमें ही नहीं मिल रही हैं कि मैं भी इनको खिला पाऊँ। तो मैं कह रही सभी से, वो मुझे ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है, कहीं से कहीं चली जाती हैं। अब नवरात्रि रामनवमी है, तो कन्याएं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं रामनवमी को, तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिली। उसके बाद मैंने इनको पकड़ के रखा, मैंने कहा पहले अपने घर थोड़ा सा खा लो तब चली जाना, और अभी भी ये जस्ट अभी आती जा रही हैं खा के। और अभी 2-3 लोग और भी बोल रहे हैं, अभी पापा की कोचिंग में भी इनका निमंत्रण है ना नव्या? अभी कोचिंग भी जाएंगी ये खाना खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि अव्या नव्या को लेके आना है, तो अभी वहाँ भी जाना है। मम्मी ने मुझे बताया था कोचिंग में भी जाना है। हाँ, कोचिंग में भी जाना है। और ये देख लीजिए बिस्किट खाने में लगी हुई है। और तुमने खाना नहीं खाया घर पे? अपने घर क्यों नहीं खाया अव्या? क्यों अव्या अपने घर क्यों नहीं खाया? क्या लगा दूं तेरी? तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, मैं सोच रही हूँ इस वीडियो का एंड कर दूं, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। तो आज है रामनवमी, रामनवमी की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और रामनवमी क्यों मनाई जाती है? रावण के अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए, और बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था धरती पे, तो उसको नष्ट करने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। और ये देखो लाल फ्रॉक पहन के हमारी अव्या नौता खाने जा रही थी, सभी लोग बोल रहे थे ये तो पूरी की पूरी माता रानी लग रही है, हमारी नव्या हैं। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गई आज नौता खा खा के। और मैं ग्रीन वाले बिस्कुट खा लूँ, और अभी मैंने भी खा लिया है, क्योंकि मैंने सबको खिला दिया है, मैंने भी अपना व्रत खोल लिया है, और इन्होंने भी खा लिया है थोड़ा सा, बट इनका भी नौता है कोचिंग पे, तो वहाँ खाना है, बोल दिया है कि आप लोगों को यहाँ आना है, दोनों बेटियों को लेके आना है। मैं नहीं जाऊँगी, बट ये अव्या नव्या और इनके पापा यही लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। मैंने माता रानी की भी क्लिप ली हुई थी थोड़ी सी, बट वो नहीं आई, पता नहीं वो क्यों नहीं आई, रिकॉर्ड किया था बट रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा दिखाया हुआ है। कल का भी लिया हुआ था मैंने दुर्गा अष्टमी का, और आज रामनवमी का भी रिकॉर्ड किया है थोड़ा बहुत,
तो वो सब कुछ मैंने दिखाया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बोलो अभ्या नभ्या, गुड नाइट। कहाँ हो गई अभी? गुड नाइट, अभी तो गुड मॉर्निंग है। शाम के लिए, शाम के लिए हमारी नव्या शाम के लिए बोल रही है गुड नाइट, शाम के लिए बोल रही हो, शाम के लिए गुड नाइट। फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छे एक वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में तो चलिए